दर्द भी रहता है। और यहाँ पे भालू वालू भी हैं। हाँ, लेकिन भालू एक है, हाँ भालू हुआ सेकंड में हाइना हुआ। ये दोनों प्राणी जो है नॉक्टर एनिमल है। डॉक्टर रात को एक्टिविटी करते हैं और दिन में ये बिल्कुल अंदर छुप के बैठते हैं। कभी कभी भालू दिखने का चांस होता है अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग। सुबह सुबह वो गुफा में जाने में लेट हो गया तब आपको देख सकता है, या फिर इवनिंग में जल्दी वापस आ गए। इन्होंने यहाँ पे गुफाएं भी बनी क्या कोई? हाँ, पहाड़ों में गुफाएं कोई बनाना थोड़ी उनको, बस एक चट्टान से दूसरी चट्टान में कोई होल है उसमें जाके बैठ गए। देखिए आपके राइट साइड में है कैन नदी, कर्णावती इसका हिंदी नेम है, इंग्लिश में कैन नदी है। और ये एक मेन सोर्स है यहाँ पे, जहाँ से सारे मतलब फॉरेस्ट एरिया से निकल के जाती है और ये पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से भी निकलती है। यहाँ पे सारे जानवर जो हैं ज़्यादातर वो शाम के समय अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इस समय 4:30 बज रहा है और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं 4 बजे के अराउंड कि हम लोग और जानवर को यहाँ पे देख पाएँ। तो अभी हम लोग की जीप धीरे धीरे आगे एडवांस हो रही है, फिर देखते हैं आगे हम लोग टाइगर को स्पॉट कर पाते हैं। कि मेन हमारा अट्रैक्शन यहाँ का टाइगर देखना है और टाइगर के लिए ही हम लोग आए हैं। वो देखिए कितना सुंदर व्यू है आपके राइट में, एक कर्णावती रिवर जो पार्क एरिया से 55 किलोमीटर निकली है। पन्ना टाइगर रिजर्व से 55 किलोमीटर निकल के जी, इसमें दोनों साइड आप फॉरेस्ट है जी। वो फॉरेस्ट का एरिया है वो लगभग रिवर के उस साइड वो 30% रिवर के उधर है जी, और 70% इधर है। यहाँ पे भैया दूरबीन से टाइगर को ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पे नदी किनारे सुबह बताया गया कि यहाँ पे टाइगर आए थे और यहाँ पे एक मदर और उसके 2 कब्स थे टाइगर के। तो यहाँ पे फिर से देखा जा रहा है, साइट सीइंग की जा रही है कि शायद टाइगर दोबारा यहाँ पे आया हो पानी पीने अपने बच्चों के साथ। तो अभी यहाँ पे खोजा जा रहा है दूरबीन से। सारे लोग यहाँ पे देखिए रुक गए हैं, सारी जीप्स रुक गई हैं और सारे लोग यहाँ पे टाइगर को साइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मजा आ रहा है? आ रहा है, आई होप टाइगर मिल जाए तो और मजा आए। ये देखिए मिलेगा थोड़ा सा लेट, लेट मिलेगा, लेट मूवमेंट होता है टाइगर या लियोपार्ड का, तो लेट चांस होता है। जो रिवर के सामने वाला एरिया पर देख रहे हैं कि इसको एरिया का नाम भोरा दो है। इधर मैनी कुकुडाल देख सकते हैं आप। अच्छा, इस एरिया में बोट सफारी भी होती है, मोटर बोट पड़ी है तो बोट सफारी से जाती है तो बहुत अच्छा आपको। बोट सफारी किस टाइम पे होती है? अभी इवनिंग में 5 से पहले हो जाती है, 5 से पहले हो जाती है और मॉर्निंग में 9 के बाद। तो उसके लिए कहाँ से हमको लेना होता है टिकट? वो वसी उसी जगह से। अच्छा, बोट सफारी का टिकट आपको। बेटा हम रहने फंस गए थे वहाँ, तो बोल रहे थे बोट का बंद हो गया जी। पन्ना में नहीं, अभी यहाँ कोर एरिया में बोट सफारी चालू है। अच्छा, और इसी टाइगर का जो टाइगर के लिए वेट करते हैं, ये टाइगर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो अभी ये एरिया है इसको चेंज करती है तो रिवर के जो डे में रेस्टिंग के लिए इसी साइड बैठती है। तो बोट सफारी से भी कई बार टाइगर देखते हैं, देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो उससे टाइगर का लेपर्ड का भी चांस होता है, लेकिन सबसे अच्छा है जो वो होता है उसका। ये यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर यही है? नहीं, हाँ सर, इंडिया पहले नंबर एमपी में सबसे अच्छा टाइगर का नंबर, टाइगर का नंबर है। लेकिन एमपी में बहुत सारे पार्क जी, बहुत सारे लगभग 6 पार्क हैं जी, 6 पार्क हैं, उसमें से पन्ना का तीसरा नंबर आता है जी पॉपुलेशन के। इसमें 70 बता रहे ना, 70 बता रहे, क्योंकि इसे आपको पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया पर डिवाइड करना होगा। एरिया कितना है पन्ना में, एरिया उसमें कितना है, तो पन्ना का एरिया के हिसाब से अभी काफ़ी कम टाइगर। इधर पन्ना में जो टाइगर का पॉपुलेशन होना चाहिए वो 100+ होगा, तब टॉप में आएगा। उसको टॉप लाने के लिए लगभग 2 साल तक अभी अपन को वेट करना होगा। कोई वो नहीं है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर। हाँ, नेचुरल स्प्रिंग वाटर। ये जो देख रहे हैं लेफ्ट में 2 किलोमीटर लंबा है ऐसा गोर्ज। अच्छा? है और दोनों तरफ से ये पूरा रॉकी और माउंटेन एरिया बीच में पूरा देखेंगे आप तो बहुत ही डेंस है अंदर। अच्छा, तो टाइगर के लिए ऐसा एरिया बहुत ही फेवरेट होता है कि वो देखिए कॉमन किंग चूसर बैठा है बाघ इधर, वो जो विदाउट लीफ ट्री है उसके ऊपर छोटा सा
ऐसी ऐसी मैंने जो पिक्चर्स जो आप दिखा रहे हो ना, ऐसी चीजें मैंने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स या उसी में देखी है। ये सारे घिये लगभग 4 साल का एज होगा इसका, जो काफी एजिट होगा उसका बिग एंटलेस होता है। okay. इसका एंटलेस एवरी चेंज हो जाता है। अभी इसका अप्रैल मार्च या अप्रैल तक एंटलेस गिर जाएगा, फिर से न्यू आएगा। तो फिर जो जो एंटलेस आएगा उसका थोड़ा सा साइज बढ़ चेंज होके बिग होगा। जितना एजिट होता जाता उतना एंटलेस उसका चेंज होके आता। टाइगर की लाइफ कितनी होती है? लगभग लास्ट उसका 16 या 20। बस 60 या 20 मतलब 18 से 20 का रहता है। लेकिन जो आप वाइल्ड लाइफ में या ओपन ऐसे फॉरेस्ट में टाइगर देखते हैं वो 17 से 18 साल लास्ट होता है उसका। 18 साल के बाद टाइगर, उसमें क्या होता है कि टाइगर जो होते हैं वो काफी उसका 16 से 18 के बीच में जो कैनियन होते हैं, जो दांत होते हैं शिकार करने वाले, वो गिर जाते हैं। तो टाइगर शिकार नहीं पाता, शिकार करने में थोड़ा सा। ये देखिए डियर है ऑन द रोड और उसका बेबी भी उसके साथ है। क्या हम उनको पास दे रहे हैं? जी। यहाँ हॉर्न मारना तो बिल्कुल वो होगा जी, नहीं कोई हॉर्न अलाउड नहीं होता है जी। इसमें दोनों ये फीमेल स्पॉटेड डियर है बेबी। ये देखिए डियर जा रहे हैं जी। इसमें जो मेल डियर स्पॉटेड डियर होता है उसको भी एंटलेस होते हैं जी, जो फीमेल होती है वो विदाउट एंटलेस होती है जी। ये देखिए दोनों डियर जा रहे हैं। मामा डियर, बेबी डियर, बाय बाय डियर।